श्रद्धा चैनल के समस्त दर्शकों को श्रद्धा पूर्वक नमन, हार्दिक वंदन, अभिनंदन। प्रतिदिन वेदवाणी कल्याणी वाणी कार्यक्रम के अंतर्गत एक नया वेद मंत्र एक नए विषय के साथ लेकर के आपके बीच में उपस्थित होने का प्रयास करता हूँ और प्रयास करता हूँ कि चर्चा ऐसे विषय पर की जाए जो कि मनुष्य के कल्याण के लिए, मनुष्य के उत्थान के लिए सहयोगी सिद्ध हो। और इस क्रम में मैं एक बात कह सकता हूं कि वेद का प्रत्येक मंत्र मानव मात्र के कल्याण के लिए है, इसीलिए वेद वाणी को कल्याणी वाणी भी कहा गया, क्योंकि ये हम मनुष्यों को मनुष्यों के जीवन के उद्देश्य और उसके कल्याण को करने वाली है, देने वाली है, हमें वह मार्ग दिखाने वाली है जिस पर चल करके हम मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। आज का जो मैं विषय लेने वाला हूं वह शीर्षक है आत्म अग्नि प्रदीपन। आत्म अग्नि प्रदीपन का तात्पर्य क्या है? क्रांतदर्शी देव दयानंद ने हम मनुष्यों के लिए नित्य प्रति 5 यज्ञ करने नित्य कर्म बतलाए हैं। प्रथम ब्रह्म यज्ञ, द्वितीय देव यज्ञ, तृतीय पितृ यज्ञ, चतुर्थ अतिथि यज्ञ और पांचवां बलि वैश्व देव यज्ञ। ये 5 यज्ञ परोपकार के कार्य हम सभी मनुष्यों के लिए प्रतिदिन करना अत्यंत आवश्यक और नित्य कर्म के अंतर्गत वेद भगवान ने कहा और क्रांतदर्शी देव दयानंद ने, जो कि वेदों के पुनः उद्धारक हैं, उन्होंने इसे पुष्ट किया और इसे 5 महायज्ञों की श्रेणी में डाला। और आज आत्म अग्नि प्रदीपन के अंतर्गत जो मैं मंत्र लूंगा वह एक तरह से समझिए कि जो अग्निहोत्र है जिसे मैं देव यज्ञ कहता हूं, उस प्रतीक को जीवन में कैसे धारण करना है और उस प्रतीक के अर्थ को समझते हुए मुझे अपने जीवन को जीवन याजिक या यज्ञमय कैसे बना लेना है, ये मंत्र स्पष्ट करता है। आत्म अग्नि प्रदीपन जो कि ऋग्वेद और सामवेद दो वेदों में ये मंत्र आया है। आइए पहले मैं मंत्र लेता हूं फिर अर्थ लूंगा। अग्निम इंधानः मनसा धियम सचेत मर्तयः अग्निम ईधे विवस्व भी। अर्थ मनसा मन के द्वारा, अग्निम अग्नि को, आत्मा को, अर्थात आत्मा में अग्नि को या आत्मा में ज्ञान की अग्नि को, इंधानः प्रज्वलित करता हुआ, मर्तयः मरणशील कहा और मरणशील से अर्थ लिया मनुष्य, धियम सद्बुद्धि और सत्कर्म को सचेत प्राप्त करे। मैं विवस्व भी तम को हटाने वाली ज्ञान किरणों के द्वारा अग्निम इस अग्नि को ईधे प्रदीप्त करता हूं। आइए अब इसका भावार्थ लेते हैं और विस्तृत अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। दो चीजें जो दैनिक देवयज्ञ या अग्निहोत्र या हवन करते हैं, थोड़ा उसको ध्यान में रखेंगे और इस मंत्र के अर्थ को भी समझने का प्रयास करेंगे। यज्ञ प्रारंभ करते समय, अग्निहोत्र प्रारंभ करते समय मैंने सर्वप्रथम अग्नि को प्रदीप्त किया। अग्नि को प्रदीप्त करने के प्रतीक से मैंने अर्थ लिया कि मैंने जैसे इस भौतिक अग्नि को उस दीपक में प्रदीप्त किया है जिसकी रोशनी से तम अंधकार
पाखंड, अंधविश्वास, भ्रम या अज्ञान, अबोधता दूर हो रही है। ठीक उसी प्रकार मैं अपने जीवन को यज्ञमय बनाने के लिए, स्वयं जीवन याजिक बन जाने के लिए अपने आत्मा में ज्ञान की अग्नि को उद्बुद्ध कर लूं। अब उस अग्नि को मैंने जैसे यज्ञ कुंड में स्थापित किया, वैसे ही प्राप्त ज्ञान को मैं अपने आत्मा में स्थापित कर लूं। मेरा आत्मा जो परमात्मा का पुत्र है, क्योंकि वह परम पिता हम सभी का पिता है, बंधु है, सखा है, पिता है, मेरा सभी कुछ तो वह ईश्वर है। इसलिए ईश्वर द्वारा प्रदत्त वेद ज्ञान को मैंने अपने आत्मा में ज्ञान की अग्नि के रूप में स्थापित किया। इसे बाहर से भी देखें और अंदर से भी देख लें। अंदर से जब मैं देखता हूं तो मैं कहता हूं कि मेरा परमात्मा मेरे आत्मा में अपने अति सूक्ष्म लेकिन पूर्ण स्वरूप में विद्यमान है, और वह मेरा सच्चा मित्र होते हुए इंद्रस्य युज्य सखा, वह मुझे प्रतिपल प्रतिक्षण मेरे भीतर से मुझे प्रत्येक कार्य से पूर्व इंगित करता है, इशारा करता है, मेरा हाथ पकड़कर झिझोड़ते हुए मुझे सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, मेरा मार्ग प्रशस्त करता है, तो मुझे उसके आदेश को ज्ञान के रूप में अपने आत्मा में स्थापित करना है। जैसे मैंने भौतिक यज्ञ करते हुए, अग्निहोत्र करते हुए, हवन करते हुए अग्नि को यज्ञ कुंड में स्थापित किया, ठीक उसी प्रकार मैं अपने आत्मा में ज्ञान की अग्नि को प्रज्वलित कर लूं, स्थापित कर लूं। फिर एक शब्द आया मर्त्यः। मर्त्यः मनुष्य मरणशील है, मरण धर्मा है, क्योंकि जीवन क्या है, जन्म क्या है, मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों के फलों के आधार पर अपनी न्याय तुला पर तोलते हुए अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम के अंतर्गत उस परम पिता परमेश्वर ने मेरे सदकर्मों के फलों के आधार पर मनुष्य का ये जीवन, ये अनमोल तन, ये साधन मुझ साधक अर्थात आत्मा को प्रदान किया, और मुझ साधक को इस साधन का प्रयोग, मुझ देही को देह का प्रयोग, शरीरी को शरीर का प्रयोग, रथी को रथ का प्रयोग, इसके जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए करना है। अर्थात मुझे, मुझ आत्मा को अपने पिता परमात्मा के, परम पिता परमेश्वर के निकट जाने के लिए करना है। वह तो मेरे निकट है, लेकिन मैं अपनी अज्ञानता, अबोधता, अल्पज्ञता के कारण निकट रहने वाले ईश्वर से दूर हूं। ये जो अज्ञानता की दूरी है, वह मैं ज्ञान प्राप्त करके ही पूरी कर सकता हूं। इसीलिए कहा आत्म अग्नि प्रदीपन, मैं मन द्वारा अग्नि को, आत्मा को प्रज्वलित करता हुआ मनुष्य सद्बुद्धि और सद्कर्म को, धियम सद्बुद्धि और सद्कर्म को सचेत प्राप्त करे, ताकि मैं अपने उस ईश्वर के निकट जा सकूं और ज्ञान प्राप्त करता हुआ जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकूं और उस मार्ग को प्रशस्त कर सकूं जो मेरे लिए धर्म मार्ग है, जो मेरे लिए श्रेय मार्ग है,
जो मेरे लिए योग मार्ग है, जो मेरे लिए सत्य मार्ग है। जब मैं उस मार्ग पर चलने लगता हूं तभी मैं जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर पाता हूं। आइए पुनः उस भौतिक यज्ञ की तरफ लौटते हैं और उन प्रतीकों को अपने जीवन में कैसे धारण करना है जो इस मंत्र की आत्मा है उसका साक्षात्कार करते हैं। मैंने यज्ञ कुंड में अग्नि को स्थापित कर दिया, मैंने अपनी आत्मा में ज्ञान की अग्नि को उद्बुद्ध कर दिया, अब मैंने उसे और अधिक प्रज्वलित करना है, तीव्र करना है। मैंने अब कुछ छोटी छोटी संविधाएं चुनी और मंत्र पाठ करते हुए मैंने उन संविधाओं को यज्ञ कुंड में दान कर दिया। मैंने संविधा शब्द का प्रयोग किया, काष्ठ के संविधा बन जाने की यात्रा को भी मैंने अपने जीवन में पूर्ण करना है। और काष्ठ संविधा तब बनता है जब वह समस्त प्रकार के दुर्गुणों, दुर्व्यसनों और दुखों से दूर हो जाता है, उसमें कोई दोष नहीं रहता, तो वह काष्ठ संविधा बन जाता है और वह यज्ञ कुंड में समर्पित करने के योग्य हो जाता है। मैं भी अपने जीवन को काष्ठ से संविधा बना लूं ताकि इस आत्मा की उद्बुद्ध ज्ञान की अग्नि में अपने प्रत्येक श्वास प्रतिश्वास के साथ समर्पण कर सकूं। और यह समर्पण किसके लिए करना है? ईश्वर के लिए करना है, क्योंकि आत्मा में उद्बुद्ध ज्ञान की अग्नि ईश्वर की उस बृहत अग्नि का ही तो हिस्सा है। मैं अल्पज्ञ उस सर्वज्ञ से जो ज्ञान पाता हूं वह उसी का ही तो दिया हुआ है, और वही वेद ज्ञान, वही कल्याणी ज्ञान ही तो मेरा कल्याण करने वाला है। इसीलिए कहा था, विवस्व भी तम को हटाने वाली ज्ञान किरणों के द्वारा। एक छोटा सा भौतिक उदाहरण देता हूं, रात होती है, अंधकार होता है, तमस होता है, हम छोटी छोटी ट्यूबलाइट बल्ब प्रकाश करने का प्रयास करते हैं लेकिन रात्रि के तमस को तोड़ नहीं पाते हैं, लेकिन सुबह सूर्य के उदय होने के आभास मात्र से, उन किरणों के आने से ये तमस की गहरी से गहरी चट्टानें खंड खंड विखंडित होकर के टूट करके चूर चूर हो जाती हैं, और इस तमस का अहंकार शेष नहीं रहता है। और ठीक इसी प्रकार मेरे मन में जो तमस है, जो अज्ञानता है, अबोधता है, अल्पज्ञता है, वह भी उस सत्य स्वरूप ईश्वर के ज्ञान के आभास मात्र से खंड खंड विखंडित होकर के टूट जाता है या टूट जाना चाहिए, और मुझे वह मार्ग स्पष्ट दिखाई देना चाहिए जिस पर चल करके मैं अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकूं। इसके लिए अत्यंत आवश्यक है इस मंत्र का अर्थ समझना कि मुझे आत्मा में अग्नि को प्रदीप्त करना है, और इस दैनिक नित्य प्रति किए जाने वाले यज्ञ के प्रतीक को समझते हुए, उन प्रतीकों को अपने जीवन में धारण करते हुए जीवन को यज्ञमय बनाने का प्रयास करना है। और निश्चित रूप से यदि दो पंक्तियों में समेटूं, मेरा आत्मा परमात्मा का पुत्र, सत्य का आग्रही, सत्य ज्ञान की अग्नि को मैं प्रज्वलित करूं और अपने जीवन का प्रत्येक कार्य अपने श्वास प्रतिश्वास के साथ सद्कर्मों की आहुति देता हुआ मैं जीवन को यज्ञमय बना लूं, यही आत्म अग्नि प्रदीपन है। आइए एक छोटे से भजन के द्वारा, कुछ पंक्तियों के द्वारा मैं इस विषय को आज समाप्त करता हूं।
ऊपर को उठ उठ कर अग्नि करती हमें इशारा, जीवन में ऊपर को उठना कर्तव्य है हमारा। उद्बुद्ध होते देख अग्नि को हम भी उद्बुद्ध होवे, अपनी जीवन ज्योति जगाकर अंधकार को खोवे। जीवन के इस रहस्य पर क्या हमने कभी विचारा, अग्नि में जो पड़े पदार्थ अपना आप जलाए, वही पदार्थ खुद जलकर जग में सुगंध फैलाए। ऐसा जीवन हुवे जिसका वही प्रभु को प्यारा, वेदों ने नित्य कर्म हमारे पांच यज्ञ बतलाए। जो मानव श्रद्धा पूर्वक ये अपना धर्म निभाए, उस मानव का इस जीवन से हो जाए निस्तारा। वेद विदित यज्ञादि कर्म है जब से हमने छोड़ा, घोर विद्या में पढ़कर विषयों से नाता जोड़ा। रहा न सुख का नाम कहीं, दुखों ने लिया पसारा। जीना भी वह जीना क्या है जो अपने लिए जो जीना, जीना सफल वही है जग में परहित में जो जीना। परहित जीना परहित मरना यह हो धर्म हमारा। ऊपर को उठ उठ कर अग्नि करती हमें इशारा, जीवन में ऊपर को उठना कर्तव्य है हमारा। उद्बुद्ध होते देख अग्नि को हम भी उद्बुद्ध होवे, अपनी जीवन ज्योति जगाकर अंधकार को खोवे। आइए हम अपने आत्मा में अग्नि को प्रदीप्त करें। ओम इति शांति।